सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा आप अपने स्नैपचैट अकाउंट का पासवर्ड कैसे पता कर सकते हो। अगर आपको भी अपने स्नैपचैट अकाउंट का पासवर्ड नहीं पता है तो इस वीडियो को देखने के बाद आप बहुत ही आसानी से अपने स्नैपचैट अकाउंट का पासवर्ड पता कर सकते हो। अगर आप जानना चाहते हो तो वीडियो पूरा कम्प्लीट देखिएगा, और वीडियो पसंद आने पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना, साथ ही बेल बटन को भी जरूर दबाना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले यहाँ पर आपको करना क्या है, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर आपको जाना है अपने फ़ोन की सेटिंग में, और फ़ोन की सेटिंग में आने के बाद अब यहाँ पर आपको सबसे नीचे आना है। अब यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है गूगल, तो यहाँ पर आपको ये हर फ़ोन में आसानी से मिल जाएगा। तो सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आने के बाद अब यहाँ पर आपका अकाउंट देखने को मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो ये मेरा अकाउंट है, जीमेल अकाउंट। अब यहाँ पर आपको नीचे कुछ ऑप्शन मिलते हैं, तो इनमें से यहाँ पर आपको मिलता है ऑटो फिल, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। और इस पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर आपको सबसे ऊपर मिलेगा ऑटो फिल विथ गूगल, तो सिंपली आपको इसी पर क्लिक करना है। और यहाँ पर जैसे आप क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपको मिलता है गूगल पासवर्ड मैनेजर, तो सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है। और जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपको सभी पासवर्ड सेव हो मिल जाएंगे। यहाँ पर जो भी आपका पासवर्ड सेव होगा वो आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर हमें अपने स्नैपचैट का पासवर्ड पता करना है, तो इसके लिए यहाँ पर आप देख सकते हो स्नैपचैट, तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको अपने फ़ोन का लॉक देना है। जैसे आप यहाँ पर इस आँख वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो आपको जो पासवर्ड आपको शो हो जाएगा, आप यहाँ से कॉपी भी कर सकते हो। अगर यहाँ पर भी आपका पासवर्ड शो नहीं हो रहा है तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ से इसको कट करना है, और कट करने के बाद आपको स्नैपचैट में जाना है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, ऊपर आपको अपनी प्रोफाइल पर क्लिक करना है, और प्रोफाइल पर जाने के बाद अब यहाँ पर आपका प्रोफाइल ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको ऊपर मिलता है टॉप कॉर्नर पर सेटिंग का आइकन, तो सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है। और जैसे आप इस पर क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपके सामने एक ऐसा पेज ओपन होगा। अब यहाँ पर आपका ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर आपको शो हो जाएगा, और आपका यूज़र नेम भी। तो यहाँ पर अगर आपका ईमेल आईडी लिंक है तो अच्छी बात है, और नंबर भी आपका लिंक है तो बहुत अच्छी बात है। आपका जो पासवर्ड है चेंज करने में बहुत ही आपको आसानी हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, जैसे कि यहाँ पर यह हमारा नंबर इसमें लिंक है, तो यहाँ पर नीचे मिलता है पासवर्ड का ऑप्शन, तो सिंपली आपको यहाँ क्लिक करना है। और जैसे आप इस पर क्लिक करते हो तो यहाँ पर यह आपसे मांग रहा है ओल्ड पासवर्ड, यानी कि आपका पहले वाला पासवर्ड क्या है। लेकिन यहाँ पर हमें अपना पासवर्ड पता नहीं है, तो इसके लिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, फॉरगॉट योर पासवर्ड पर क्लिक करेंगे। और जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपके सामने दो ऑप्शन आ जाते हैं, फ़ोन नंबर का और ईमेल आईडी का। तो यहाँ पर अगर आप चाहो तो अपनी ईमेल आईडी भी चूज़ कर सकते हो, और अपना फ़ोन नंबर भी। इससे क्या होगा, वेरीफिकेशन आपका हो जाएगा, जिससे कि आप नया पासवर्ड बना सकते हो। तो यहाँ पर हम अपने फ़ोन नंबर वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, क्योंकि हमारे अकाउंट से फ़ोन नंबर लिंक है। तो यहाँ पर मैं इस पर क्लिक करता हूँ, और यहाँ क्लिक करने के बाद यहाँ पर ऊपर हमारा नंबर शो हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, नीचे वेरीफाई पर क्लिक करना है। और जैसे आप वेरीफाई पर क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपको सेंड है SMS और कॉल, तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलते हैं वेरीफिकेशन करने के, एक तो SMS के थ्रू और एक कॉल के थ्रू। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, SMS के थ्रू वेरीफाई करेंगे, यानी कि इस पर एक वेरीफिकेशन कोड आएगा। तो जैसे कि यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ सेंड मैसेज पर, और यहाँ क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर आपको नीचे एक वेरीफिकेशन कोड एंटर करना है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये इसने ऑटोमेटिक ही ले लिया है। अब यहाँ पर आपको न्यू पासवर्ड का ऑप्शन मिल जाएगा, अब यहाँ पर आप अपना नया पासवर्ड बना सकते हो। तो यहाँ पर हमने अपना नया पासवर्ड बना लिया है। अब यहाँ पर आपको नीचे सेव पे क्लिक करना है, तो हमारा जो पासवर्ड है वो चेंज हो जाएगा, और हमारा पासवर्ड भी हमें पता चल जाएगा। तो इन दो तरीक़ों से आप बहुत ही आसानी से अपने पासवर्ड का पता कर सकते हो, वरना कोई तीसरा तरीका नहीं है जिससे आप अपना पासवर्ड पता कर सकते हो। अब यहाँ पर जो हमारा पासवर्ड है वो चेंज हो चुका है, तो यहाँ पर हमारा जो पासवर्ड हमें पता चल चुका है।